फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप के रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। सपोज इस लैपटॉप में आप देखेंगे, यहाँ पे अगर कंप्यूटर के सिस्टम प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं इस इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 2 GB है। अभी इसमें मैं चाहता हूँ इसको कि 4 GB में कन्वर्ट करूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पावर ऑफ कीजिए, शट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट इसका पावर कॉर्ड, ये सब जो भी ऐड है इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 स्क्रू है। अगर ये ओपन करते हैं तो ये इसी के अंदर रैम रहता है। किसी किसी लैपटॉप में पूरा ये आपको ओपन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ये जो दिया हुआ इसी के अंदर रहेगा, आप ओपन करने से इससे ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करने के पहले सबसे पहले आप इसका बैटरी निकाल लीजिए। उसके बाद ये जो स्क्रू है आप इसको ओपन कर लीजिए। ये बाहर आ जाएगा आपका। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये जो आपका वाईफाई का रहता है ये वाला है, और ये एक बैटरी रहता है। आप एक बात देखेंगे कि अगर आप अपने लैपटॉप के बैटरी को निकाल भी दीजिएगा, फिर भी क्या होता है कि ये आपका जो टाइम एंड डेट ये सब रहता है वो मेंटेन रहता है, आपको उसे फिर से एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। तो ये इस बैटरी के कारण होता है। ये बैटरी अगर आप निकाल दीजिएगा, तो अगर आप ये बैटरी भी निकाल दिए और ये बैटरी दोनों निकाल दिए, तो अगर आप स्विच ऑफ करेगा अपने लैपटॉप को और फिर से डालिएगा बैटरी, तो आपको टाइम एंड डेट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका काम ये होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये हमला हमारे काम का चीज़, ये है रैम। तो इसमें आप देखेंगे सही से, अगर देखते हैं इसको तो देखिए, इसमें 2 GB का रैम ऑलरेडी लगा हुआ है और दूसरा एक स्लॉट खाली है। मीन्स इसमें अगर हम एक और 2 GB का डालते हैं तो हमारे पास 4 GB का रैम हो जाएगा। ओके, अगर सपोज ये स्लॉट नहीं रहता तब हम क्या करते, तब हमें क्या करना पड़ता कि 4 GB का रैम लाना पड़ता और ये 2 GB का निकाल करके उसमें 4 GB का उसी स्लॉट में डालना पड़ता। ओके, तो ये एक आप रैम सेम टाइप का आपको लेना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या बाहर से कहीं से लीजिए, या कोई टूटा हुआ लैपटॉप है, मदरबोर्ड ये सब खराब हो गया, तो उस सेकेंड हैंड रैम को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रैम जल्दी खराब होने का चीज नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, एक स्लॉट बना हुआ है, यहाँ भी एक स्लॉट है, तो इसमें हम ऐसे डालेंगे। ओके, ऐसे कुछ प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, कुछ इसके साथ ये नहीं करना है, बस इसको एक डाल दिए ग्रुप में और इसको जैसे धीरे से प्रेस कीजिए, एक क्लिक का साउंड आएगा, वो रैम फिट हो गया। ओके, कैसे किए, अभी जैसे इसको निकालना है तो कैसे निकालना है, बस दोनों को नाखून से प्रेस कीजिए, ये अपने आप निकल जाएगा। ओके, निकल गया। ओके, फिर से अगर डालना है इसको तो ऐसे लीजिए, ऐसे, और बस एक उंगली से बस प्रेस कीजिए, क्लिक का साउंड आया, फिट हो गया। ओके, काफी सिंपल है। इसको फिर डाल दीजिए आप जो है। बैटरी डाल दीजिए अपना। ओके, रैम आपका फिट हो गया। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि सिस्टम प्रॉपर्टीज में क्या दिखाता है, ऐड हुआ कि नहीं। और एक बात और होता है कि जैसे आप रैम अगर इंक्रीज कर दिएगा तो आपके सिस्टम का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर कोई गेम खेलना है या कुछ भी करना है तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, स्पीड इसका इंक्रीज हो गया है। पहले ये लैपटॉप बहुत स्लो था, बीच बीच में हैंग करता था। अभी जैसे ही आप इसमें रैम डालेगा तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक फायदा होता है रैम रहने से, जस्ट डबल हो गया, पहले 2 GB का था। अब 4 GB का हो गया। अब जाएंगे हम सिस्टम प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे।
सिस्टम प्रॉपर्टीज, या यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 GB रैम हो गया, 4 GB रैम। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 से 4 GB हो गया यहाँ पे, इंस्टॉल मेमोरी रैम 4 GB। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है और बहुत इजीली हो जाता है, कहीं ले जाने का जरूरत नहीं है। एक रैम आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए या कहीं से आप ले लीजिए कोई पुराना लैपटॉप से और इंस्टॉल कर लीजिए, पर डेट्स ऑल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।